प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय का प्राचीन कैंपस भी देखा। पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा सिर्फ नाम नहीं पहचान है, नालंदा एक गौरव गाथा है। नालंदा में आज कैसे नया इतिहास लिखा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। सालों पुरानी विरासत, पढ़ेगा और बढ़ेगा भारत। नालंदा सिर्फ नहीं है नाम, बढ़ाएगा भारत का सम्मान। अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी वहां, और जब मैं दुनिया को लड़कों को कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया के उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी तो सुनते ही रह जाते थे। पिछले साल देश की राजधानी में हुए G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को शिक्षा के केंद्र नालंदा का जो ट्रेलर दिखाया था, अब उसकी पूरी फिल्म रिलीज कर दी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को न्यू कैंपस का तोहफा दिया, जिसमें 40 कक्षाओं वाले दो शैक्षणिक ब्लॉक, 1900 लोगों के बैठने की क्षमता, 300 सीटों वाले दो ऑडिटोरियम, 550 छात्रों की क्षमता वाला छात्रावास, 2000 लोगों की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर शामिल हैं। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नालंदा सिर्फ भारत की ही नहीं विश्व के कई देशों की विरासत से जुड़ी है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। पीएम मोदी ने आगे कहा कि नालंदा बताएगा कि जो राष्ट्र मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय की पुरानी धरोहर को करीब से देखा। इसके बाद यहां से नए कैंपस पहुंचे, जहां पीएम ने बोधि वृक्ष लगाया। बता दें कि साल 2016 में नालंदा के खंडरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसके बाद साल 2017 में निर्माण शुरू किया गया और आज नए कैंपस का उद्घाटन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।